तो प्रशासन के लोग चार बार प्रयास किए, चार बार हम लोग के पास संदेशा आया कि महानिदेशक मैडम से आपकी वार्ता करा दे रहे हैं। करने तो डीजी मैडम ने कहा कि हमारी बात प्रमुख सचिव सुंदरम सर से हो गई है और बेसिक शिक्षा मंत्री भी संदीप सिंह जी से हो गई है और आप छह लोगों का प्रतिनिधिमंडल का नाम दे दीजिए। बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात अनुदेशकों की नियमितीकरण सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन स्तरीय वार्ता हुई। विक्रम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन। सर, दो दिन से हम लोग का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था कल, और तो कल जब हम लोग यहाँ पर आए, क्योंकि हम लोग महानिदेशक मैडम से कई बार वार्ता कर चुके थे, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता था। मैडम बार बार कहती थी कि हम ऊपर बात करेंगे, तो हम लोगों ने कहा कि जब मैडम ऊपर बात करेगी तो हम लोग खुद ही ऊपर बात कर ले। तो जो प्रशासन के लोगों को हम लोगों ने कहा कि सर, हम लोग डीजी मैडम से वार्ता नहीं करेंगे, हम लोग या तो मुख्य सचिव आदरणीय मनोज कुमार सिंह सर से करेंगे या प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सर से करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, और उन लोगों ने प्लानिंग बनाया। कल शाम को 6 बजे अंतिम बार मेरे पास फिर डीजी मैडम से मुलाकात कराने के लिए लोगों ने कहा, प्रयास किया प्रशासन के लोगों ने। मैंने कहा कि नहीं सर, जब मैंने एक बार ठुकरा दिया तो मैं अब नहीं जाता। तो वो लोग गए वार्ता। हम लोगों ने कल ही शाम को प्रतिनिधिमंडल का नाम 6 लोगों का दे दिया था, हालांकि इस बात को हम लोग आउट नहीं किए, लेकिन कल ही शाम को प्रतिनिधिमंडल का नाम चला गया था। और उसी क्रम में आज 4:30 बजे हमारी सुंदरम सर से लगभग 1.5 घंटा हमारे प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई, जिसमें मैं स्वयं विक्रम सिंह, S4 के आदरणीय राम कुमार निगम सर, संयुक्त मोर्चा के आदरणीय तारकेश्वर शाही जी, हमारे अनुदेशक साथी राम सिंह जी, महिला की जो प्राची मिश्रा जी, स्मृति मिश्रा जी, ये सब लोग जाके वार्ता किए। 1.5 घंटे की वार्ता हुई, काफी सकारात्मक। पहली बार अनुदेशकों के इतिहास में इस प्रकार की सकारात्मक और सफल वार्ता हुई है और कई चीजों पे मुहर लग गई है। क्या क्या मांगे थी आपकी प्रमुख? हमारी नियमितीकरण मुद्दा था, समान कार्य समान वेतन मुद्दा था, ट्रांसफर था, ऑटो रिन्यूअल था, कई प्रकार के आयुष्मान कार्ड, EPF, महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर था, इस पे भी हमें सफलता मिली है। अंतर जनपदीय ट्रांसफर सर ने कहा कि दिसंबर में कर दूंगा, जो कि असंभव लग रहा था। अंतर जनपदीय ट्रांसफर लोग कहते थे अंतर जनपदीय ट्रांसफर कैसे हो पाएगा, लेकिन सर ने कहा दिसंबर में मैं इसको कर दूंगा। और लेकिन हमने अनुदेशक साथियों को ये शोर किया था कि हम लिखित में लेकर जाएंगे, और इसीलिए हमने सर से वहाँ कहा कि सर, हमको लिखित मिलेगा तभी हम धरना स्थगित करेंगे। सर ने कहा बिल्कुल, आप कल तक वेट कर लीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से आप बैठिए, और कल जब आपको कार्यवृत्त मिल जाएगा और जब आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे तभी आप वापस जाइएगा। इतना सर ने शोर किया है, तो हम अपने अनुदेशक साथियों से भी यही कहेंगे कि कल तक हम लोग इंतजार करेंगे, जब कार्यवृत्त जारी हो जाएगा तब हम इस धरने को स्थगित करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो भी पॉइंट थे उन्होंने उसको डिटेल में पूछा, उसके बाद उस अधिकारी को, संबंधित अधिकारी को फोन किया और तुरंत उससे पूछा, स्पष्टीकरण मांगा कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, क्यों रुका हुआ है, आपने क्यों रोका है, करिए इसको तुरंत। तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक सफल वार्ता हुई है। तो नियमितीकरण की हमारी मेन मांग थी, जो अंतर जनपदीय की हम लोग की मांग थी, उसपे उन्होंने कहा है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया जो है, मतलब जो भी है, जो भी आपके पास दस्तावेज है वो सारे उन्होंने कलेक्ट किए हम लोगों से लिए, और किस तरह से हम लोग हो सकते हैं, क्या हो सकता है, उन सब चीज़ों पर बातचीत हुई है। और जो भी हमारे जियो थे हमने सब उनको सारे तथ्यों के आधार पर हम लोगों ने बात की, तथ्य अपने पेश किए। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक है, जब तक हम लोगों को नियमितीकरण नहीं होता है तब तक वो वेतन वृद्धि या जो भी करते हैं वो कल जारी कर देंगे लेटर, उसके बाद यहाँ से धरना हम समाप्त करेंगे।